सो रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर अ वार्म वेलकम टू माय यू नो क्लोजेस्ट वन इन द इंडस्ट्री. ऐसा कहने का मौका बहुत कम मिलता है सचेत भाई, एंड आई एम लूज दिस थैंक यू सो मच. मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे बहुत अच्छे, मेरे क्लोज, मेरे बड़े भाई. बड़े भाई बोलो, छोटे भाई छोटे बोल दो भाई, छोटे बोल दो, बड़ा ना बनाओ. मेरे छोटे बड़े भाई और सचेत भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से रेडियो सिटी. थैंक यू सो मच. पता नहीं ये कौन सा दौर है, मैं आपसे मिल नहीं पा रहा हूँ. इतना दिल है मेरा, पूरे लॉकडाउन में इतनी बार हम लोग का यही कॉन्वर्सेशन हुआ कि यार जल्दी मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं, पर पता नहीं ये कभी सही मिल. बात है, बट मिल भाई नहीं पा रहे. लॉकडाउन में आपने कंधे के तिल देख लिए लोगों के, आपने अलग ही मतलब अप्रोच रखा है पूरे लॉकडाउन का. ऐसा क्यों और ऐसा कैसे? ऐसा मौका मिल गया कि जो जो जिन जिन के गर्लफ्रेंड्स के कंधे पे तिल है, तो भैया उन सबको देखने का भी मौका मिला और उनके लिए कुछ गाने का भी मौका मिला. तो भाई 18 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सबने कंधे का तिल देख लिया है. अब आप अकेले नहीं है ना, मैं अकेला हूँ. कैसा लगता है ये? हाँ, अच्छा है. आई थिंक द सॉन्ग हैज वर्क एंड ऑडियो साइट्स भी काफी अच्छा चल रहा है. सो करेक्ट. अच्छा है, इट्स रियली गुड दैट इट वर्क्ड. एंड मनन ने कंपोज किया है, कुमार करेक्ट बाजी ने करेक्ट लिखा है. करेक्ट. सो आई थिंक उसका उसके साथ पहला ना इज आई थिंक उनका डेब्यू है, क्या है मुझे नहीं पता, बट आई थिंक अभी नए नए हैं वो. एंड ही इज बट डूइंग अगर गुड. ये आगाज है तो बहुत ही शानदार आगाज है, बिकॉज आपके साथ वो गा रहे हैं, सॉरी आपके साथ वो कंपोज कर रहे हैं और आप गा रहे हो भाई. मतलब आफ्टर यू नो हैविंग दिस टैग ऑफ म्यूजिक कंपोजर डायरेक्टर, आप दूसरों के लिए जब गाते हो तो कैसा लगता है जब कोई दूसरा डायरेक्ट करता है? आपके मन में आया कि अबे मतलब हमें बताओ कि तुम ऐसे टाइम आता है क्या? भाई ऐसे क्वेश्चंस क्यों है जो नहीं, लेकिन लेकिन मतलब आपको क्या होता है ना, इफ यू आर अ म्यूजिक कंपोजर, और जो भी अगर म्यूजिक कंपोजर फ्रेंड्स हैं जो कंपोज खुद भी करते हैं ना, उनको पता लगता है कि इस सॉन्ग का दायरा ना कुछ और भी हो सकता है, कहीं और भी जा सकते हैं, कुछ और खेल सकते हैं. सो करेक्ट आई थिंक इसमें भी ऐसा ही रहा. और जब मैंने तनिष्क के लिए भी आई थिंक दो तीन सॉन्ग्स गाए हैं, जो साइको सैया मसक्कली, सो आई थिंक वो उनमें भी ऐसा ही है कि आपको एक फ्रीडम तो रहती है, यू कैन प्ले विद द सॉन्ग. करेक्ट. एंड डिपेंड्स ऑन द म्यूजिक डायरेक्टर ऑल्सो, या जो भी कंपोजर उस समय है, कि इफ ही इज आपको वो इतना मौका दे रहे हैं कि आप अपना भी कुछ एक्सपेरिमेंट करिए, आप अपना भी कुछ थोड़ा बहुत डालिए. सो आई थिंक उससे गाते ही कहीं ना कहीं, इफ आई कैन से, ग्रोथ उसकी बढ़ती है या उसके डायमेंशंस और बढ़ जाते हैं. इट्स करेक्ट बेटर ना एक ही जगह पर लोग मिल जाते हैं, और भी वर्जन्स मिल जाते हैं, तरीके मिल जाते हैं. सो आई थिंक मेरे हिसाब से भी अच्छा ही है. एंड करेक्ट इट्स अ करेक्ट गुड. भाई, लेकिन बहुत अमेजिंग ये गाना शूट हुआ है. मतलब जितना अच्छा आपने गाया है हाँ उतना ही, मतलब स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ह्यूज शाउट आउट टू कपिल चारण्या जो इसके डीओपी हैं. बहुत प्यारा शूट किया ये गाना, जिस तरीके से जिस एंगल से शूट हुआ है, तो जब गाना दिखने में भी बिल्कुल अच्छा लगता है तो और जो है मतलब उसकी यू नो विजुअल पावर्स उसको और स्ट्रॉन्ग कर देती है. तो जब आपने गाना देखा था पहली बार बिल्कुल. तो आपका क्या रिएक्शन था भाई? मैंने भाई ये बोला था जब सलमान भाई और ये जारा से, कि ये वीडियो देखने के बाद भी, कि अगर ये सॉन्ग वर्क करता है ना, तो भाई डिपेंड्स ऑन यू गाइस, क्योंकि आपने इतना प्यारा काम दिखाया है उसमें ना. एंड इट्स लुक वेरी क्लीन, वो जो उसका तरीका, और आपने वही कहा जो डीओपी का काम है बहुत अच्छा है, बहुत कमाल है. करेक्ट तो वो करेक्ट दिखता है कि कितना मतलब शातिर तरीके से उसको यूज किया है अपने दिमाग को, और कितना अच्छा प्रेजेंट किया है. एंड इवन आई थिंक दोनों ने परफॉर्म किया है, जारा एंड करेक्ट. सलमान. बहुत तो बहुत बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस है. बस मैं वही सोच रहा था कि कंधे का तिल कोई घर पे ऐसे तो नहीं देख सकता है जिस तरीके से ये लोग देख रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत चल रही है. मतलब हाँ आप ऐसे डांस यार, इतने खतरनाक मूव्स है. सलमान तो जहां जाते हैं वो छाई जाते हैं. बट भाई आपने बिल्कुल कुमार भाई के साथ भी काम किया, मतलब आपने बड़े बड़े आप लिरिसिस्ट के साथ काम करते हो, सो कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ जब भी आपको पता चला कि कुमार पाजी ये सॉन्ग लिख रहे हैं? पता है हर्षित, मुझे ये रिलीज के बाद पता लगा ये कुमार बाजी ने लिखा. क्या बात कर रहे हो भाई, आपको पता ही नहीं चला हाँ, ना किसने लिखा है? मेरे को नहीं पता था, मुझे दिस लगा इज मनन ने लिखा. दिस शोज द क्वांटिटी ऑफ वर्क यू हैव. हाँ गाना ले आओ.
असिस्टेंट भैया मेरी मेरे भाई तुम और कोई नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है मतलब सच में। क्योंकि मुझे पहले लगा था कि जब मेरे पास सॉन्ग आया एंड भूषण सर चाहते थे कि ये सॉन्ग मैं गाऊं, तो सॉन्ग आया सैंग दैट सॉन्ग, और क्योंकि मुझे बड़ा अच्छी कॉम्पोजिशन भी लगी थी और मुझे लगा मनन ने लिखा, बिकॉज इससे पहले ना आई सैंग वन सॉन्ग जो था गणेशा देवा, रिमेम्बर एक सॉन्ग अभी आया था गणेश चतुर्थी में, तो उसमें दैट वाज आल्सो कंपोज बाय मनन एंड इट वाज आल्सो रिटन बाय हिम। सो मुझे ऐसा लगा कि ये दूसरा गाना है जो इसका, एंड ही राइट्स एंड ही कंपोजेस, तो मुझे ऐसा लगा। बट जब मैंने मतलब पता नहीं क्या मेरे पास वो आया था क्या कहते हैं आप पोस्टर्स स्क्रीनशॉट नहीं आते बैनर जो सब, तब ओके जब वो आया मतलब एक दिन पहले आई थिंक रिलीज, एक दिन पहले नॉट आफ्टर रिलीज, एक दिन पहले कि ये आया, तो मैंने पूछा ये कुमार बाजी ने लिखा है, तो मुझे तो आया ओ शेट, तो मैंने फिर फिर मतलब किया कि बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे, उनसे मुझे बात नहीं हुई एक पता था। बार भी? उन्होंने उन्होंने कुछ आपको बोला या आपसे उनसे उनकी कोई बातचीत हुई अब तक कुमार पाजी से? नहीं मतलब बहुत अच्छा है, सब बहुत बढ़िया है, और हम लोग आगे भी काम कर रहे थे, तो उसके सिलसिले में थोड़ी बातें हो गई थी, तो अच्छा, वो ही क्या कट। बात, क्या बात है भाई, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, बट यू आर सो क्यूट. ऐसा हम लोग ने लॉकडाउन में, मैं थोड़ा फ्लॉन्ट तो कर ही सकता हूँ, हम लोगों ने बहुत बातचीत करी, तो कैसा था ये? क्योंकि ये बिल्कुल सवाल यार हर इंटरव्यू में हर आदमी पूछ रहा है, लॉकडाउन कैसा था, आपने खाना बनाना सीखा, आपने क्या किया, और सचेत भाई ने क्या किया, क्या किया सचेत भाई ने, बता दो भाई, सवाल हम पूछे लेते नहीं, बट दुनिया हाउ इज योर फादर डूइंग नाउ? के. इज फाइन, इज इज गुड, टच वुड, इज फाइन एंड इज टोटली फाइन नाउ, एंड अभी बहुत चलो रिकवरी हो गई उनकी. बट इसको। भाई, आपने कोई नया स्किल सेट अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक इस लॉकडाउन में आपको अपने एक्सप्लोर किया क्या? और क्या चीज की कुछ कुछ नया तरीका, क्या चीज एक्सप्लोर किया? वो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेरा सवाल था आपसे कि आपने कुछ और एक्सप्लोर किया, नहीं मतलब आपने कुकिंग वुकिंग सीखी, या आपने, क्योंकि आपके हाँ आपके यार, मेरे को एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मेरे को जो दो चार चीजें बहुत अच्छी लगती है मैंने बस वही उतना सीखा है, क्योंकि उससे ज्यादा मेरा इंटरेस्ट है नहीं कुकिंग में। बट हाँ अपना अगर कहीं बाय चांस फंसी पड़ी हो तो आपको एक होता है ना कि इतना तो बनाना आना ही चाहिए, तो उतना उस लॉकडाउन ने सिखा दिया है। तो मैं खिचड़ी बनाना सीख चुका हूँ, दाल चावल और एक सब्जी, अब आलू शिमला मिर्च, सो थोड़ी सस्ती वाली जितनी होती है ना अपना थाली चल सज जाएगा। जाएगी, थाली सज जाएगी अगर हम लोग मिल के, जैसे मैंने मैंने मैगी सादी बनाने से तली हुई मैगी बनाना सीख लिया है, आलू प्याज कैसे डालते. बट सचिन भाई, गाना वैसे ही बहुत बहुत अमेजिंग है. कैसा लगता है जब आपको भाई डिजिटली इतना प्यार मिलता है, एंड यू नो आई एम श्योर यू आर मिसिंग द स्टेज वाइब, बिकॉज आप बैक टू बैक शोज कर रहे थे. 19 में मैंने देखा आपकी शो रील इतनी अमेजिंग होती जा रही थी, मतलब आई वाज सो हैप्पी फॉर यू, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तो वो स्टेज वाला कितना सीन आप मिस कर रहे हो अभी. यार हर्षित, हम लोग बहुत शोज कैंसिल हुए, बहुत, क्योंकि सब लाइनअप थे जुलाई तक के, अगस्त तक, इस तो साल वो 2020 तक में हाँ, तो वो मार्च से हम लोग के सब कैंसिल हो गए, बिकॉज 22nd और 24th मार्च में लॉकडाउन हुआ था ना अपना, वहां से स्टार्ट हुआ था, तो बस वही हम लोग का दुबई जाना था, हम लोग का कुवैत, मतलब काफी अरब उधर पे भी था हम लोग के शोज। दिन एक हमारा ना पड़ा क्या था, स्विट्जरलैंड में एक था, तो सब कैंसिल हुआ। एंड फिर अपने इंडिया में काफी थे, कॉलेज कॉलेज शोज थे, सब बहुत कुछ हद तक मतलब फर्क तो पड़ा, बहुत क्योंकि ज्यादा उस फर्क पड़ दौरान गया, मतलब काफी लोग चाह रहे थे, बिकॉज हम लोग का ऐसा हुआ था वर्क प्रोफाइल, ऑब्वियसली तो सब ऑब्वियसली साल 2019 बहुत के बहुत बड़े बड़े गाने आपके नाम है. एंड ऑल्सो भाई, मैंने ना, मैं आपकी घर जब मैं जाता हूँ ना, तो हनुमान चालीसा आपकी आवाज में सुनता हूँ, बड़ा सुंदर आपने गाया है वो, बहुत सुंदर तरीके से आपने वो कंपोज भी आप ही ने किया है, वो पूरा कंपोजिशन भी आप ही का है भाई. नहीं भाई, वो भरत है, भरत गोयल ने ही एक्चुअली म्यूजिक पूरा प्रोड्यूस किया है, सो बट भाई, उनका ही करा। आप जब एक एक रोमांटिक गाना गा रहे होते हो, आप जब एक स्पिरिचुअल गाना गा रहे होते हो, तो मतलब
क्या क्या दिमाग थॉट प्रोसेस और वो सारी चीजें एकदम उसी दिशा में चलती है, आप भक्त हो जाते हो कि अरे भगवान बस इस गाने को गाने के बाद ही आप मेरी मुरादें पूरी कर देते, ऐसा होता है क्या? दिशा में तो हमरा वाला गाया था दिशा के लिए, तो वैसे तो अच्छा थोड़ा सा अलग सा जोक था, पढ़ा नहीं लेकिन नहीं भाई ऐसा सोच के कि नहीं कि मतलब नैया पार हो जाएगी और भगवान के फिर कुछ नहीं है यार 2020 में वैसे भी नैया पार नहीं करानी, बस नैया चलती रहे। हाँ इस दौरान आई थिंक अपने आप को बचा के रखना यही बहुत है, बहुत जरूरी चीज है, बिकॉज बाकी बाद में आप पैसा कमा लोगे, आप बाकी सारी चीजें बाद में कर लोगे, अपने आप को जीवित रखिए और वो जरूरी है, ये स्वस्थ आप रखिए। कैसे बोल रहे हैं, अपने आप को जीवित रखिए, हम जीवित हैं, मान के चलिए हम जीवित हैं। बट बहुत नहीं अच्छी यार बात है, क्योंकि समय बहुत टफ है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और हम लोग मतलब जितना, बिकॉज आपका और मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ज्यादा मैच करता है ना कि हम लोग इतनी बड़ी इसलिए ना बड़ी भाई बात मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी कि ये हर्षित के साथ हो रहा है ना, मुझे करने का भी है नहीं, कहीं हमारे लोग की बातें कुछ और होने लगे, चीजें कुछ और होने लगे तो कोई मतलब नहीं है। नहीं, आपके पास भी लाल बटन होगा, मेरे पास भी होगा, अरे सॉरी कट गया दोबारा कर दिया। एडिट कर देना भाई अगर जो भी कुछ ऐसा हो जाए तो। नहीं नहीं डेफिनेटली हम इस चीज का ख्याल रखेंगे, हालांकि मैंने ऐसी बात अभी कुछ करी नहीं। बट सचिन भाई बहुत फीमेल अटेंशन मिलता है आपको, मैंने देखा आपकी स्टोरीज में इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां अभी भी, मतलब पहला पहला हो चाहे वो कबीर सिंह के गाने हो, हर हर गाना मतलब आपका, तो अभी ये फीमेल अटेंशन से कैसे डील करते हैं आप? एंड ऑल्सो क्या आपको प्रपोजल्स आते हैं डीएम में? सचेत विल यू मैरी मी, सचेत आई लव यू। अरे हाँ यार यार इसको हम दूसरे सेंस में नहीं लेते कि हाँ किसी ने जो जो आई लव यू बोला है या अगर कुछ कहते हैं लोग तो उसको मतलब वो उनका उस, मुझे लगता है वो गाने के प्रति इतना भावुक हो जाते हैं कि वो निकल जाता है यार, यार ये आपकी वॉइस है ना यार वो छू जाती है यार, वो जो म्यूजिक है ना वो कमाल कर जाता है, तो आई थिंक वो उस हिसाब का हम लेते हैं ना, आई रियली रिस्पेक्ट। एंड हम जितनों को हो पाता है रियली ट्राई एंड रिप्लाई देम बैक कि जो भी जैसा कोई बात कहता है तो मतलब वो अगर लिखता भी है यार दो चार चीजें कोई लिख रहा है वो बहुत बड़ी है, तो हमें लगता है उसमें रिप्लाई करके मेरा उतना तो फर्ज बनता है कि हम उनको रिप्लाई करें और वो जो सुनना चाहते हैं वो जो बस उतना उनको बता देते हैं। बस उतना उनको पता, बहुत अच्छी बात है सचिन भाई, आप बहुत प्यारे इंसान हो यार। आपको पता है कभी कभी मुझे ऐसा आपके लिए डर लगता है कि आपकी सादगी का लोग जो है ना फायदा ना उठा ले इसीलिए इसलिए पता है ना हर से ज्यादा टाइम ना मैं चुप रह जाता हूँ, कुछ बोलो ही ना ज्यादा, जाओ यहाँ पर ना बस काम और चुप रहो बट टचवुड नहीं एंड होता पता है थैंकफुल। अर्जित, मैं एक चीज जोड़ूंगा इसी में, क्या होता है ना जो भी लोग सुन रहे हैं यहाँ पर जितने भी अरेंजर्स होते हैं या कंपोजर्स होते हैं जो भी होते हैं लिरिसिस्ट होते हैं सब सब क्या होता है ना एक तरीका होता है, जैसे हमने देखा है व्हेन यू वांट टू बी विद समवन, ऐसा एक होता है ना जब आप किसी के साथ जुड़ना चाहते हो जब आप किसी के साथ काम करना चाहते हो तो एक क्या होता है ना मुझे ऐसे लगता है एक तरीका होता है आप जुड़ने के लिए, आपको आपको पहले उसको अपना बनाना पड़ता है, आपको उसका साथ आपको उसको कॉन्फिडेंस ट्रस्ट दिलाना पड़ता है, दैट्स व्हाट आई फील, उसको लगता है यार हाँ मैं अब इनके साथ कर सकता हूँ बिकॉज आई नो इट्स रियली हार्ड टू वर्क आउट हियर, तो अब इसी के मद्देनजर मतलब ऐसा होता है कि जैसे कोई कोई होते हैं वो उनसे मैं बात कर रहा होता हूँ, बहुत लोग होते हैं नहीं बात करते हैं वो बोलते हैं मैं अपने असिस्टेंट से ही बात करा देता हूँ क्योंकि अभी तो आगे वो मैं तो मेरा असिस्टेंट बात करेगा मैं उनसे बात करा देता हूँ, करेक्ट करेक्ट ये करेक्ट। सारी नहीं करते, तो जब हम खुद अगर उस चीज से बात करते उससे तो वो आदमी ना चौड़ा हो जाता है दूसरी बार में, उसको लगता है होगा, और हम मतलब आप पोलाइटनेस आप जब वो चीज दिखाते हो उनको ना तो उनको लगता है अरे यार ये लोग तो करेक्ट करेक्ट नहीं है, मैं बताता हूँ इनको ये वो, तो करेक्ट ये आज इन लोगों में आजकल बहुत बार मैंने देख लिया इस दौरान, मतलब इस दौरान के इससे पहले भी देख लिया, आप सोचते हो क्योंकि हमने भी अपने गुरुजी से सीखा है, हमने अपने जिनके साथ मैं गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत रहकर सीखा हूँ, गंडा वन शागिर्द रहकर सीखा हूँ, तो हमने एक तरीका एक चलन एक आपको एक पता होता है कि ऐसे लाइफ में आप
आगे बढ़ते हो, आप ऐसे सीखते हो, किसी से सीखते हो, तो आप Having that sense of respect for someone, वो वहां होना चाहिए, because हम लोग उस गुरुकुल की परंपरा से आते हैं, और ये बातें पुरानी नहीं है. We are talking about our generation also. मतलब उस दिन भी हम लोग यही बात डिस्कस कर रहे थे कि मिलेनियल्स किसी को भी ये व्हाट्सअप बोल देते हैं, हम अभी भी पैर छू लेते हैं कभी कोई बड़ा दिखता है. तो वो हाँ बहुत सारी चीजें हैं बिल्कुल जो जो चीजें लोगों को शायद अभी समझनी पड़ेंगी. एंड ऑल्सो ही सचेत एंड परंपरा एंड सचेत टंडन एंड परंपरा ठाकुर, मतलब बहुत बड़ा नाम है. अगर आप लोग इंटरव्यू देख रहे हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, तो प्लीज थोड़ा इज्जत इज इम्पोर्टेंट, ऐसा इज द बेसिक बॉटम कुछ लाइन. क्या मैं ना, हम जेन्युइनली बोल रहा हूँ. यू आर सी नॉट बिकॉज यू आर माई फ्रेंड और समथिंग, बट आई रियली रिस्पेक्ट योर टैलेंट ऑल्सो, बिकॉज आपने अपना टैलेंट प्रूफ किया है. अभी मैं आपकी ना उस दिन ऑडिशन वाली क्लिप देख रहा था जिसमें हिमेश जी ने आपको जूते दे दिए थे, तो मैं पूछना चाहता हूँ वो जूते आपके हैं आपके पास अभी, या जूते दिए थे या नहीं दिए थे? अच्छा मेरे मेरे पास है, बट वो लखनऊ में रखे हैं ओके ओके ओके. और हाँ, वो गोल्डन शूज आपने ले वो लिए थे? उन्होंने दिए, मतलब सेकेंड एपिसोड में, बिकॉज ये ऑडिशन राउंड था, तो वहां से चारों जजेस जब खड़े हो गए थे तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था कि चूज करना एक को, बट मैं तब से चाहता था कि मैं हिमेश जी के साथ एक बार जुड़ूं, बिकॉज ही इज अ वेरी वेरी गुड कंपोजर, एंड मतलब वो मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं उनके साथ जुड़ूं, कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन वो एक मेरे लिए बहुत अच्छा समय था, तो वो हुआ। और फिर आई थिंक सेकेंड राउंड में ही, जैसे ही मतलब बीच में शो का नहीं दिखाया गया, बट बैक स्टेज ही गेव मी दो शूज, और उसके बाद और भी ऐसे राउंड होते, उन्होंने अपनी घड़ी दी थी मुझे, तो भाई आप लोग यही कह सिंगर हो रहे कि थे पायरेट पायरेट्स ऑफ सिंगर हो, मतलब क्या चल रहा है? किसी दिन घड़ी उतरवा ली, किसी दिन जूते उतरवा ली. पर वो शायद बहुत भाई लोगों ने मजाक उड़ाया था हर्षित, बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था भाई, और क्या क्या लेकर जाने का सोचा है तुमने, अभी जूता लिया है, घड़ी लिया है। तो एक बार शान शान सब, वो अपने जैकेट भी देने का था, सब कुछ, सब इधर उधर जो आपके पास है हथियार वो देना चाह रहे होते हो आप, तो ऐसा सिचुएशन बन गया था। बट आई थिंक यू डिजर्व. एंड बिकॉज क्या है कि मैंने वो जब ऑडिशन भी देखा, वो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी. मतलब मैं तब आपको जानता भी नहीं था, मैं तो आपको यहीं पे रेडियो सिटी से ही जानता था. एंड और जब मैंने वो देखा, मैंने कहा यार ये बंदे की पूरी जर्नी है आपकी परंपरा की. सो बहुत अमेजिंग लगता होगा आई एम श्योर. ये एंड प्यार नहीं है अर्जित भाई, और कुछ नहीं है, नहीं भाई, ये बड़े अगर भाई का प्यार प्यार भी है, है, अगर प्यार भी है तो सही जगह इन्वेस्ट हुआ है. और मैं सच्ची बताऊं, क्या ये बात बहुत बहुत किस्मत वालों को मिलता है उनका प्यार, अगर उनको सही जगह मिल जाए. अब ऐसे ही बात बिल्कुल थोड़ी यार, गलत दिशा में ना जाए, लोग इसको गलत क्या डायरेक्शन बात में ना है। ले जाए. बट भाई आपको याद है आपका कोई प्यार और कोई उसका तिल, मतलब ऐसा? मेरे किसी बंदी पर वो तिल नहीं था भाई, जितना मुझे ओके बट भाई थैंक यू सो मच. आप ऐसे ही और अमेजिंग गाने देते रहिए. एंड पूरे लॉकडाउन में ऑलमोस्ट आप पूरे टाइम प्रोडक्टिव थे बहुत ज्यादा. तो कभी बीच में ऐसा भी लग रहा था कि यार सब लोग लॉकडाउन में इतना रेस्ट कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं फैमिली के साथ है, और मैं थोड़ा काम ज्यादा कर रहा हूँ, ऐसा भी फील आया था क्या? नहीं यार, अच्छा टाइम था मेरे हिसाब से, इस समय काम करने का और अपनी क्रिएटिविटी और दिखाने का बहुत अच्छा समय था, सो आई थिंक लॉट ऑफ सिंगर्स हैव बीन प्लान्ड इस दौरान, और बिकॉज ये शूट कुछ कुछ टाइम टलती गई तो इसलिए लेट हो गया, और फिल्म्स का अभी काम अब स्टार्ट हो चुका है, वो काफी पेंडिंग था, तो मोर अबाउट आई थिंक अच्छा समय था, और मतलब इस साल हम लोग लॉकडाउन। और भी सचेत टंडन और परंपरा की इर्द गिर्द बहुत सारे और गाने इस साल देखने वाले हम लोग. बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक आ जाना चाहिए था गुरु के साथ, बट शूट में थोड़ा लेट हो गया, तो एक अभी पहला सॉन्ग होगा जो हम लोग का काफी टाइम बाद, तो इट्स विद गुरु रंधावा, एंड बहुत कमाल गाया है, बहुत कमाल का, आई हैव मतलब सीन ऑल दैट बहुत पिक्चर्स. डिफरेंट। क्या बात है भाई, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं भी धुन सुन लूंगा. नहीं बट आई लव यू भाई, थैंक यू सो मच. एंड आप यू ऐसे भाई, ही भाई, आप ऐसे ही और अमेजिंग गाना गाते रहिए, काम करते रहिए. बाकी ये आई थिंक अब ये इंटरव्यू अपना खत्म होता है और अपनी इनफॉर्मल बातें शुरू होंगी इसके बाद. बिल्कुल मैसेज करता हूँ मैं आपको.